चोरी के वाहनों की छानबीन को लेकर अब पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। इसी कड़ी में अब डीआईजी संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस ऑटो डील और ऑटो गैरेज पर पैनी नजर बनाए हुए है। भुवनपुर थाना क्षेत्र में चलाए गए इस अभियान के दौरान पुलिस ने वाहनों की वीडियो रिकॉर्डिंग की और फुटेज के आधार पर गाड़ियों की छानबीन की जा रही है। दरअसल अक्सर चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त ऑटो डील और ऑटो गैरेज पर होती है। ऐसे में पुलिस अब अपनी नई मुहिम चलाकर वाहनों की जानकारी जुटा रही है। क्राइम ब्रांच ने लखनजाट गैंग के सदस्यों पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। इसी कड़ी में पुलिस ने लखनजाट गैंग के एक सदस्य को हिरासत में लिया है। आरोपी का नाम गजेंद्र है और पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ के आधार पर घटनाओं का खुलासा करने में जुटी हुई है। तुकोगंज थाना क्षेत्र में बंसी ट्रेड सेंटर के बाहर खड़ी एक कार से अज्ञात बदमाश बैग चुराकर फरार हो गया। बैग में नगद रकम सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। पूरी घटना बिल्डिंग के बाहर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। महिला का नाम श्वेता है और उसका अपने पति से विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि महिला अपने घर में अकेली थी और उसने जहर खा लिया। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इंदौर के द्वारकापुरी में रहने वाले रवि गाबड़े नामक एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि रवि पिछले कई दिनों से तनाव में था और इसी वजह से उसने आत्महत्या करने का फैसला ले लिया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।